हेलो गाइस, मैं आशीष शर्मा यहाँ आ चुका हूँ। यह है उड़ीसा का मंदिर और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप अगर आपको आगे ले चलते हैं ये देख सकते हैं, पूरा हरियाली ही हरियाली है। और ये है यहाँ इस मंदिर का नाम उषा कोटेश्वर महादेव उषा कोठी। ये उड़ीसा का एक गांव है और यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है और ये देख सकते हैं पूरा। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा हमको एक्सप्लोर करने का भी मिलेगा। ये हम आ गए हैं यहाँ पे उषा कोठी में और ये हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह का सीढ़ी है। ये शिव मंदिर है यहाँ का, ये उषा कोठी, और ये देख सकते हैं कितना रॉकी एरिया है यहाँ पर। ये देख सकते हैं पूरा चारों तरफ पहाड़ पहाड़ है। और ये हमारे पुजारी जी, तो कुछ बताइए यहाँ के बारे में। ये मंदिर कब का है, कैसा बना? ये बहुत दिन का है, तीन पीढ़ी से। जैसा पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पे तीन पीढ़ी से ये मंदिर बना हुआ है और ये अभी इनका यहाँ का चौथा नंबर के ये पुजारी हैं। ये देख सकते हैं पूरा हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे। देख सकते हैं बहुत पूरा रॉकी एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे और कौन कौन से भगवान का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे जैसा बता रहे हैं राम लक्ष्मण जी का भी मंदिर बना हुआ है और आगे में उसको भी हम आपको दिखाएंगे। राम कर रहे हैं वहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, हम मंदिर की ओर अति शीघ्र पहुँचने वाले हैं। ये देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे मंदिर है, ये हमारे पापा। ये देख सकते हैं कितना ही बहुत ही मस्त खूबसूरत मंदिर है। यहाँ का नजारा आप देख ही सकते हैं, कितना हिली एरिया है। और यहाँ देख सकते हैं ये त्रिशूल कितना बड़ा है। यहीं पे चप्पल उतार दो सर, देख सकते हैं। हाय बोले एक बार सब इसमें, बम बम भोले। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मंदिर है। ये देख सकते हैं पूरा पहाड़ पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है ये मंदिर और इनका निर्माण ऐसा ही हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ सुगमता के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ का एरिया है। ये हमारे नंदी बाबा जी यहाँ विराजमान है। देख सकते हैं ये कबाट खोले जा रहे हैं। ये देख सकते हैं भोले बाबा पार्वती की कितनी प्यारी मूर्तियां हैं यहाँ पर। पुजारी जी पूजा करते हुए और देख सकते हैं यहाँ पे भी शिवलिंग है, बहुत सारे पूजा भक्ति किया जा रहा है। अच्छा, और ये क्या है? ये जैसे दिख रहा है ये क्या है? दुर्गा मंदिर। ये देख सकते हैं यहाँ पे विराजमान है आगे हमारे पुजारी जी। यहाँ भी देख सकते हैं पूरा तत्व यहाँ रखी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे
पत्थरों को काट काट कर नक्काशी किया गया है। और ये गणेश जी हैं हमारे, गणेश देवा। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कार्तिकेय जी हैं। देख सकते हैं कितना अद्भुत कलाकारी किया गया है यहाँ पर। और पत्थरों को, सिर्फ पत्थर को ऐसा तराश करके ये बनाया गया है। और इसके बाद चलिए अगले भाग में लेकर के चलते हैं आपको। यहाँ पर पार्वती मैया हैं गणेश जी के साथ में। तो ये भी देखिए कितना अद्भुत कलाकारी की गई है यहाँ पर। और ये व्यू देख सकते हैं आप, कितना यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है सब चीज। ये पूरा पहाड़ों के ऊपर में बसा हुआ ये मंदिर है, ये अनोखा मंदिर है। और यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर की परिक्रमा पूरी हुई। देख सकते हैं कितना बड़ा त्रिशूल है यहाँ पर, भोले बाबा का अस्त्र माना जाता है। तंबू और त्रिशूल उनके प्रिय वस्तुएं हैं। आइए इधर भी कुछ हमको दिख रहा है, चल कर देखते हैं क्या है यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर सफाई हो रही है। यहाँ पर भी देखिए नंदी बाबा हैं विराजमान। देख सकते कितने प्यारी मूर्ति है, कितना प्यारा कलाकारी किया गया है इनके ऊपर भी। और ये व्यू देखिए, व्यू दिल जीत लिया। व्यू देख सकते हैं, खाई उधर कितनी खाई है। देखिए व्यू देखिए, बस यहाँ का नज़ारा पूरे बहुत बड़े पहाड़ पे ये बना हुआ है। देख सकते हैं मंदिर का फ्रंट व्यू है, देख सकते कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। ये देख सकते हैं खाई, देखिए आप कितनी, मतलब अगर मैं नीचे गिनवाने पे आ जाऊं तो कितना नीचे है वो पहाड़, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर। और ये हम अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ के पुजारी जी लोग से बात करते हैं। तो चलिए लाइव उन्हीं से अब बात कर किया जाए। तो यहाँ पर और कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब देखने लायक, ये बता दीजिए। यहाँ पर है तो ऋषि मुनि का बैठक है। अच्छा, जैसे वो उनको बता रहे हैं वहाँ पे, ये ऋषि मुनि का ये बैठक है ना। वो है, वो तो वहाँ है, मैंने राम लक्ष्मण का है, सीता का है, फिर नागराज का है वहाँ पे। बस जैसे बता रहे हैं उस पहाड़ी में, भगवान का सज्जा उस पहाड़ी में। और वो है पत्थर जो है, तो वहाँ पे भी आपको लेकर के चलेंगे और वहाँ का भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में।